अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। वेलकम करते हैं आपका एचए पेट्स क्लब में अपने यूट्यूब चैनल। हम जो जिस टॉपिक पे फ्रेंड्स बात करने वाले हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं जो कॉल करके मुझसे पूछते हैं हमेशा कि भाई हमने पपी दिया है उसको हम ट्रेन कैसे करें, भाई हमने पपी दिया है हमारे फ्लोर पर पॉटी कर रहा है, भाई हमने पपी लिया हमारे फ्लोर पर पी कर रहा है। तो इन सब बातों के लिए मैंने सोचा चले एक वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें डिस्कस करूंगा, सारी की सारी आपके साथ प्रैक्टिकल में शेयर करूंगा, ताकि किसी की सुनी सुनाई बातों पे हम आज वो प्रैक्टिकल करेंगे। इम्प्लीमेंट किस पे? इस पे, माया पे। ये हमारे पास पपी है, पोमेरियन पपी, जो कि 4.5 माह की है, और इसके साथ मैं आपके साथ प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे ट्रेन किया है, किस तरह ट्रेन किया। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हम अपने पपी को कैसे ट्रेन करें। आप लोग परेशान ना हो, सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो चैनल पे नए हैं, एक बार फिर से कह रहा हूँ आप सबको, देख लें, शेयर करना तो बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चले पपी की तरफ चलते हैं। ये मेरा पपी है जी। इसको जब भी पहली बात कि आप अपनी किसी से भी लें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए और उसको डाइट प्लान में क्या दिया जा रहा है और आपके पास वो आके क्या खाएगा, इन चीज़ों को नज़र में रख के आप अपनी वहाँ से अवेल करें। आपको अपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि इसके प्रीवियस ऑनर के पास होती है जी। फ्रेंड्स, तो इसके साथ हम करेंगे, इसको हम खाना देंगे और इसको हम उस जगह पे छोड़ेंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा पपी जो है पॉटी करे, पिछी करे। तो सबसे बेहतरीन चीज़, जो लोग जो फ्रेंड्स मेरे फ्लैट्स में रहते हैं, उनके लिए जो पॉसिबल जगह है, जैसे बैल्कनीज होती हैं या उनकी छत होती है, वहाँ पे लेके जाएं अपने पपी को पॉटी कराएं। और जो बाहर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपने काम ये करना है कि जब आप अपने पपी को खाना दें तो उसी टाइम फौरन आप अपने पपी को उस जगह पर ले जाएं जहाँ पे आप चाहते हैं कि वो पॉटी करें, यहाँ पीछे करें। इसके अलावा अगर आप इंडोर रखते हैं पपी, अपना जो वो पपी का हाउस बनाते हैं, जो भी केज होता है, उसके नीचे आप डिग्निटी शीट रखें, आप मेडिकल स्टोर से मिल जाता है उसका पैकेट, वो रखें ताकि अगर यूरिन कर रहता है तो वो उसी में जब्ब हो जाए, आपका फ्लोर खराब ना हो। चीज फ्रेंड्स ये है कि जब भी आप अपने पपी को बाहर लेके जाए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जब तक आपका पपी प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं है और उसको बाहर ना लेके जाए, उसकी एक मखसूस जगह बनाएं, डिग्निटी शीट ले लें, जो कि मैं इम्प्लीमेंट करता हूं अपने पपीज के साथ, आप भी वैसा कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका पपी जो है घर में किसी किस्म का गंद नहीं करेगा। और जो इस बात से पपी नहीं लेते हैं तो वो भी फ्रेंड्स पपी लेना चाहेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे पपी होते हैं ये जस्ट हमारे बच्चों की तरह होते हैं ना, तो हमें इनको इस तरह से सिखाना चाहिए, इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि जैसे ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा, इनको हम ट्रीट में कुछ ना कुछ दे सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे ये हमारी बात सुनता है तो ट्रीट में हम इसको डॉग फूड दे दें, या इनकी ट्रीट्स मिल जाती हैं पेट शॉप से, आप वो ले लें, वो आप दे सकते हैं, लेकिन वो हर टाइम ही देनी। जैसे आप पपी को ट्रेन करते हैं, पपी आपकी बात सुनता है, उस टाइम पे आप उसको एक ट्रीट के तौर पर देंगे तो उस लालच में वो वही काम करेगा जो आप उससे चाहेंगे। पपी को पता होना चाहिए कि वो मालिक नहीं है आपका, आप उसके मालिक हैं। फ्रेंड, जैसे पपी जो है आप नहीं हो अपनी जगह पे और उसने अपने केज में या कुछ ऐसा कर दिया तो आपको बहुत डिस्टरबेंस हो रही है उस चीज से, तो आप अपने पपी का फेस वहां पे दिखाएं, उसको बताएं और नो करके आपने उसको इशारे से बताना है, ताकि लाउडली बोलना है नो, ताकि आपका पपी उस चीज को समझे। या आप अखबार का एक रोल बना लें, वो आपने इसको नहीं मारना, पपी को नहीं मारना, आपने उसकी जगह पे उसके साइड पे उसको दिखा के मारना है, ताकि उससे जो आवाज पैदा होगी पपी उससे डरेगा कि जी अगर मैं करूंगा, अगर मुझे लगेगी तो मेरा क्या हाल होगा, आवाज इतनी है। तो अगर आप उसको मारेंगे तो वो समझ जाएगा, लगती तो है नहीं, खाली आवाज ही है। पपी जो भी शौक से खाता है, आप घर में होम फूड देते हैं या डॉग फूड देते हैं या जो भी आप उसको गिजा में देते हैं, उससे हटके कोई ऐसी चीज अपने पास रखें जो कि उसके लिए एक ट्रीट हो, उसको पता हो कि यार मैं बात सुनूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मुझे डांट मिलेगी, मुझे वही आवाज सुनने को मिलेगी जो साउंड पैदा करेगा बात का रोल बना के। तो ये चीजें ज़हन में रखते हुए आप एक पपी को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं
अच्छे से उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं पॉटी के लिए भी और तमाम चीज़ों के लिए कि पपी आपकी बात सुने। तो मैंने रखा हुआ है अपने पपी को अपने फ्लोर पे, तो मेरे पास तो खुली छत है क्योंकि मैं अपने पपी को भी अपने दूसरे डॉग्स को भी बाहर नहीं लेके जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास छत है, मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ, उनको जो करना होता है वहां पे कर लेते हैं। अब मैं जो भी बातें आपसे डिस्कस की हैं, मैंने जो भी चीजें भी आपको बताई हैं, इन बातों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं सुनी सुनाई बातों में नहीं इंप्लीमेंट करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, जब भी आप पपी लें अपने शहर से या अपने शहर के बाहर से, जब भी आप पपी लेते हैं तो उसको सबसे पहले लाके अपने घर की वो जगह पे छोड़ें जहां पे आप चाहते हैं कि वो पॉटी करे, पिशी करे, उस जगह पे छोड़ें ताकि उसको पता हो कि मैंने यहाँ पे जो है ये चीज करनी है, और अगर वो आपकी इंडोर किसी जगह जगह पे ना कर सके, किसी किस्म का भी गंदा बिला सके। और आप इसके लिए इस तरह का केज बनाए जिसमें पपी जो है जमीन से थोड़ा ऊंचा हो, कि ये अगर वहां कर भी देता अपनी जगह पे, ये कभी गंदा नहीं हो। ठीक है, और अपने पास सफाई के लिए डिटॉल का इस्तेमाल रखें, फिनाइल रखें अच्छी वाली, जब जहाँ पे आपका पपी जाता है वो डेली बेसिस पे आप उस जगह को साफ करें ताकि आपके पपी को किसी किस्म का भी जम्स ना लग सके और आपका पपी हर बीमारी से महफूज रहे। तो चले आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हम इसको खाना भी देते हैं और आपको दिखाते तो जी फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए जी अपने छत पे। ये देखें जी, हमने माया को खाना दिया, अब माया ही अपना खाना फिनिश करेगी, तो थोड़ा घूमेगी ऊपर, जो भी इसने करना है वो कर लेगी। तो परेशान ना हुआ करें फ्रेंड्स, किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो नए लोग पपी लेना चाहते हैं और परेशान होते हैं कि वो किस तरह से अपने पपी को ट्रेन करें, तो ये बहुत आसान तरीका। ठीक है, इस तरह से इंशाल्लाह आप कोशिश करते रहा करें और आपको कामयाबी भी मिलेगी। ये देखें जी, अभी माया खाना खा रही अपना। तो अगर आप इंडोर भी खाना देते हैं इनको, तो फौरन से आप उस जगह पे इनको ले जाएं जहाँ पे ये बाकी काम कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अच्छे से अच्छी कंटेंट लाने की कोशिश कर सकूं। और मैसेज करके बताया कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस चीज़ पर बनानी चाहिए, किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।